जय हिंद दोस्तों, आप सभी का प्रवेश सर आपके लिए फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर है। और ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन। यहाँ पर सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 20 दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर एज इट इज सिंगल यूनिट वाले को मैं 3 ले लूँ और फिर मल्टीप्लाई करूँ सिंगल यूनिट वाले को 3, और जो डबल यूनिट नंबर दे रखा उसको अगर मैं मर्ज करूँ यानी दोनों को जोड़ूँ तो मेरे पास कितना बनेगा आपका 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 6, और मैं लिख सकता हूँ इसको 06। तो यहाँ पर देखिए B2A1 और T20, तो यहाँ 2 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, A की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, और 2 प्लस का 2 इसका 2 कितना हो गया मेरे पास में 2, ये कितना हो गया मेरे पास 4, और मैं लिख सकता हूँ इसको क्या 04। तो सेम एज ऑन R इजकल टू 18, 1 और 20, यानी 1 प्लस का 8 मेरे पास क्या होगा 9 इंटू में 1, और 2 प्लस का 0 क्या होगा मेरे पास में 2। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 18, और 18 जो है वो मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है मेरा 18। और दोस्तों ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। एक बात और रिपीट करूंगा दोस्तों, मैं आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन मैंने बताया उसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों बताया क्योंकि मैंने आपको वहां पे ये चीज बताने की कोशिश की कि इंटरचेंज मेथड कहां पर यूज करते हैं और इंटरचेंज मेथड कहां पर यूज नहीं करना आपको। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी मैंने बताया, फिर आपका आंसर आई थिंक 36 आया था, सबको मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया फिर सबको मर्ज किया मतलब प्लस किया और फिर 0604 लिया हमने। फिर देखा कि जो लास्ट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर मान लिया फर्स्ट सिंगल यूनिट है उसको मैंने एज इट इज लिया और जो डबल यूनिट नंबर था पहले उसको प्लस किया, मतलब जैसे दे रखा था C3 को सिंगल लिया, मल्टीप्लाई A की वैल्यू 1 लिया, फिर T की वैल्यू 20 तो पहले 2 प्लस 0 को मैंने ऐड किया तो 2 इंटू में 1 इंटू में 3 मल्टीप्लाई करके मेरा 6 आया, तो मैंने उसे 06 लिखा। ओके तो दोस्तों ये सारे ही आंसर ठीक है, बट ये आंसर डिपेंड करेंगे ऑप्शन पे, ऑप्शन में जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका आंसर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के अंदर एक से ज़्यादा आंसर्स होते हैं, हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड सेट करता है अपने अकाउंट का। तो दोस्तों यही उस क्वेश्चन में बताने की कोशिश की गई थी और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। आप इसे ट्राई करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।